हेलो फ्रेंड्स, ममता क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए व्रत का नमकीन लेके आई हूँ, जो बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस है। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें और मेरा वीडियो पसंद आओ, नमकीन पसंद आती हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं हमारी ये क्रिस्पी सी नमकीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक चम्मच घी डालेंगे हमें मखाने सेकने। तो हमें ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए जिससे हमारे क्रिस्पी हो जाए। इसमें हम मखाने डाल देंगे, इनको अच्छी तरह रोस्ट कर लेते हैं। इनको अच्छी तरह हम क्रिस्पी कर लेते हैं। नमक डाल देंगे थोड़ा सा, नमक की वजह से जल्दी से हमारे भुन जाएंगे। और हम इसको बना के रख लें, जब भी भूख लगे इसको थोड़ा सा हम चाय के साथ ले लें। और ये फास्फोरस होता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, फ़ायदा भी करते हैं मखाने, हमें वैसे भी रोज़मर्रा में खाने चाहिए। हमने इसको लो मीडियम पे को रोस्ट किया है, देखो हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए। इसको हम निकाल लेते हैं, हमने ऑयल चढ़ा दिया है, हम इसको गर्म होने देते हैं। सबसे पहले हम इसमें मूंगफली के दाने सेकेंगे। ये हम व्रत का नमकीन बना रहे हैं। मसाला देखें, मसाला बहुत टेस्टी बनता है, मैं मसाला बहुत अच्छा बताऊँगी आपको डालना। ये हम इसमें डाल देते हैं, फ्राई कर लेते हैं इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ये भी हमें बहुत फ़ायदा करते हैं, बहुत ज़्यादा आयरन होता है इसमें। इनको अच्छी तरह सेक लेंगे हम। ये सभी चीज़ लो टू मीडियम पे करेंगे। ये हमारे चटक गए, इनको हम अब बंद कर देते हैं। इस तरह के हमें चाहिए, ज़्यादा हो जाएंगे तो कड़वे हो जाएंगे, इसलिए गैस हम बंद कर देते हैं। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है नमकीन, उसको हम निकाल लेते हैं। और आप वैसे भी व्रत में खा सकते हैं, वैसे ही बना के रख सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा करता है। इसमें सभी चीज़ फ़ायदेमंद होती हैं, मखाने, मूँगफली जो भी हम डालेंगे। और इनको लटका देंगे, इससे हमारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा जब तक हम और चीज़ भून लेते हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, हमारी ये बहुत अच्छी सिकी है। अब इनको एक साइड में कर देते हैं। अब हमारे पास ये मोटा वाला साबूदाना है, इस तरह से मोटा वाला साबूदाना ये, इसको हम इसमें सेकेंगे। ये एक छोटा वाला आता है, तीन साइड के आते हैं, ये सबसे बड़ा है, इसको भी हम डाल देंगे। इसको सेक लेंगे अच्छी तरह। ये हमारे फूल फूल के ऊपर आ गए, लो टू मीडियम गैस ही रखनी है हमें। ये बहुत अच्छे लगते हैं, बाजार में बहुत ही महंगा मिलता है नमकीन। आप घर पे बना के इनको, इसमें मर्जी आए जो आप डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, चिप्स डाल सकते हैं, जो डाल रही हूँ आपको बताऊँगी। ये अच्छी तरह फूल के हमारा डबल हो गया है, ऊपर आ गया है। इसको हम चेक करेंगे कि हमारा ये क्रिस्पी होगा कि नहीं। ये अंदर से दाना रह जाता है तो ये अच्छे नहीं लगते थे, अभी इसमें थोड़ा सा दाना है, अच्छी तरह टूट नहीं रहा। इसको और सेकेंगे थोड़ी देर, ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएगा। जब तक हमारा ये साबूदाना हो रहा है हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये मैंने एक आलू को इस तरह से मैंने क्रश कर लिया और इसको पानी में डाल के धो लिया दो तीन बार, और इसको कपड़े पे मैंने रख लिया। इसको भी हम डालेंगे, ये लच्छे हैं आलू के। इसको हम चेक करेंगे, ये हमारा अच्छी तरह टूट रहा है, इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं, ये अच्छी तरह ये क्रिस्पी हो चुका है। थोड़ा सा सेकने में टाइम लेता है, इसको हम निकाल लेंगे। अब हम अपने आलू के लच्छे भी सेक लेते हैं इसी में। अब ठंडा करके फिर ही फोड़ें तो ऑयल होता है इसमें, उंगली जलने का डर रहेगा। इस तरह मैंने इसको निकाल लिया, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे मोतियों की तरह। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी है। अभी ये गर्म है, अभी इनसे आप नहीं लगा सकते, मुँह में जाते ही घुलने वाले हैं। इनको भी हम एक साइड में रख देते हैं, आलू के लच्छों को भी डाल देंगे। ऑयल गर्म है हमारा, इसमें बिल्कुल भी स्टार्च नहीं है, हमारे स्टार्च की वजह से चिपक जाते हैं। इसमें कपड़े के ऊपर रख दिया था, भूखे हो गए, गोल्डन सेक लेंगे इनको। ये हमारे हो चुके हैं, अच्छी तरह क्रिस्पी हो गए। ये नमकीन में बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसको हम निकाल लेंगे। बहुत जल्दी हो जाते हैं और घर में चीज़ बनाएं, कम पैसे में बहुत सारी चीज़ बन जाती है, फ़ायदा भी करती है घर की चीज़ें। अच्छी तरह हम ऑयल निकाल देंगे इसका, देखो हमारे कितने अच्छे बने, गोल्डन ब्राउन हो गए। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया हमने, इसको भी हम इसमें मिला लेंगे। थोड़ा सा ऑयल रहना भी ज़रूरी है, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं मसाला। अब इसमें क्या क्या डालेंगे हम, सबसे पहले डालेंगे इसमें ये अमचूर पाउडर आधा चम्मच। आप व्रत में खाते हैं तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। अब इसमें डालूँगी मैंने आधा चम्मच भुना जीरा डाला है, थोड़ा सा मैं काली मिर्ची पाउडर डालूँगी। मेरे यहाँ लाल मिर्ची खा लेते हैं तो मैं थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। इसमें आधा अनुसार इसमें नमक डालूँगी, आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया, कम हो तो बाद में भी डाल सकते हैं।
लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसमें नमक कम ही डालेंगे। अब इसमें आधा चम्मच इसमें पिसी शक्कर डाल देती हूँ। इसी में हम पिसा पुदीना डालेंगे और इसमें पिसा धनिया डालेंगे, सूखा ही धनिया है तो इसमें हम ये डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा बहुत ही टेस्टी नमकीन बना है, देखिए आप कितना कलरफुल लग रहा है। इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, काजू किशमिश भी डालें, आपकी इच्छा हो जो डालें, लेकिन ये मैंने तीन चार चीज़ों से बनाया है, बहुत ही टेस्टी। मुझे उम्मीद है आज की मेरी नमकीन ये पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मैं इस तरह एयर टाइट डिब्बे में बंद करके इसको रख दूँगी। इससे हमारा नमकीन सीमेगा नहीं।